नैना जरा पहला क्वेश्चन बोलो अपनी किसका तो इसका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पहला क्वेश्चन बोली फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हाँ एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट ऑफ एन नोटबुक फर्स्ट ऑफ अ पेन राइट अ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट बेटा एक चीज बताओ अच्छा आप में से आप लोग सब कुछ क्लास में हो कम से कम अच्छे खासे बच्चे बैठे हैं क्लास में आप लोग ने कभी आप लोग की मम्मी ने कभी आप लोग से ये बोला है कि जैसे आप दो बच्चे हैं घर में तो मम्मी ने ये बोल दिया हो बेटा जाके मैगी लेके आओ कितनी बार गए हो घर से मैगी लेने बहुत बार तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे एक जैसे आप सपोज करो दो जन हो आप ये ठीक है तो आप गए मैगी लेने और आपने अपने भाई को बताया कि मैं मैगी लेके आया हूँ ठीक है बाजार से तो मैंने मैगी जो लिए हैं वो जो 12 रुपए वाले मैगीज हैं पैकेट्स वो मैंने 3 लिए हैं और जो आपके 24 रुपीज वाले पैकेट्स हैं वो मैंने कितने लिए हैं 1 लिया है ऐसे कैसे बताते हो तो अगर इन दोनों को अगर मैं बोलूं तो टोटल कितने पैसे खर्च हुए तो आप कैसे बताओगे आप बोलोगे 12 × 3 प्लस में 24 ऐसी बोलोगे ऐसी बोलोगे नॉर्मल सी बात है कि मैंने नैना को बोला बेटा जाके मैगी लेके आना तो नैना से मैंने बोला कि बेटा एक काम करना 12 रुपए के 3 पैकेट लेके आना और 24 वाला सिर्फ एक ही लेके आना तो नैना बोलेगी पापा पूरे पैसे अपने पापा से बोलेगी कि पापा पूरे पैसे कितने खर्च हुए ठीक है तो वो 70 रुपीज हाँ उसके पापा क्या कहेंगे बेटा नैना के पापा बोलेंगे बेटा 12 × 3 हुआ और प्लस पे 24 हाँ इसको करके ऐसे करके उसके पापा निकाल लेंगे कि हमारी बच्ची ने कितने पैसे खर्च किए ठीक है सर 70 नहीं हो रहा सॉरी सर 60 रुपीज खर्च तो ऐसे काम अपन करते हैं नॉर्मल अपन डेली बेसिस की लाइफ पर है ना सही बात है यस सर यही चीजों से बेटा इक्वेशन बन जाती है कभी कभी अपन लोग क्लास में शर्त लगा लेते हैं क्या के सर चलो ये लगा ली के ये एक टेबल पे 15 चॉकलेट पड़ी हुई है ठीक है अब एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है 15 चॉकलेट्स हैं कौन कितनी खा पाएगा तो सपोज करो देवांग और ओमकार बैठे हैं देवांग बोलता है मैंने 10 खा पाई है ठीक है या देवांग बोलता है मैंने 7.5 खाई आधी मतलब उसने छोड़ दी और ये बोलता है कि मैंने कितनी खाई है 7.5 मैंने भी खाई है तो मतलब दोनों ने बराबर खाई है यहाँ पर ये बात तो बराबर आ गई अब साथ साथ खाने के बाद दोनों ने क्या किया आधी आधी और आपस में बांट के खा ली ठीक है ये तो ईमानदारी वाली बात अब बात करते हैं बेईमानी की ठीक है अब देवांग और आर्या बैठे हैं देवांग बैठा है और वो बैठा है कौन ओमकार अब यहाँ पर रखी हुई है कितनी चॉकलेट्स का पता नहीं है कितनी रखी हुई है बहुत सारी चॉकलेट्स हैं यहाँ पर मेरे को काउंटिंग नहीं करी कितनी रखी हुई है देवांग बोलता है मैंने 25 चॉकलेट्स खाई ठीक है लेकिन ओमकार बोलता है मैंने तुमसे 2 times ज्यादा खाई है किससे देवांग से यानी कि सर 50 ठीक है 2 times तुमसे ज्यादा खाई है ओमकार ने तो यहाँ पर क्या हो गया चैलेंज वाली बात हो गई कि तुमने 25 खाई मैंने तुमसे 2 times ज्यादा खाई तो मैं अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि 25 किसने खाई है देवांग ने प्लस में ओमकार ने कितनी खाई है इनटू में कितना 50 इनटू में देवांग ठीक है तो भैया इसका हो गया 25 इनटू में देवांग प्लस में 2 इनटू में देवांग क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा yes, नहीं हो जाएगा
ओंकार हटा दे यहाँ पर, टू इंटू देवांग हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 50 इंटू हो जाएगा। तो यही चीज है बेटा, प्लस नहीं करना है, प्लस गलती से लगा दिया मैंने। ये चीज है कि अगर 25 देवांग ने खाई है तो 2 इंटू देवांग किसने खाई है, ओंकार ने खाई है। तो ओंकार ने कितनी खाई है, 2 इंटू में 25 मतलब 50 चौंतीस। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी वाली है जी, 4.1 होगी है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, राइट द रीडर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू द रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक टू बी द एक्स एंड दैट ऑफ पेन विल बी वाई। तो हम लिखेंगे लेट, सबके सब अपनी टेबल पे अपनी नोटबुक खोल के, सॉरी बुक खोल के रखिए एनसीईआरटी की, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पर रखूंगा नहीं, आप लोग क्वेश्चन अपनी कॉपी में से देख, बुक में से देख लीजिएगा, कॉपी में से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन नोट करना है और क्वेश्चन नोट करना है, वो बाद की बात। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितना मान दिया मैंने, एक्स मान, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन कितना, बी वाई। तो उसने क्या बोला अपन से, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू इंटू में कॉस्ट ऑफ पेन, क्या बोला उसने अपन से, क्यों राशि, क्या बोला उसने अपन से बेटा, क्या बोला उसने अपन से, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2 इंटू में कॉस्ट ऑफ पेन, ये बोला ना उसने अपन से। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है, एक्स, 2 इंटू में कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, वाई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस सर, ये मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, समझ में आया सबको, यस सर, बिल्कुल सर, वेरी गुड, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, सर बोलो सर, आप ये एनसीईआरटी की बुक से करवा रहे हैं बेटा, पहले तो स्टार्ट है वहीं से करूंगा मैं, एनसीईआरटी से स्टार्टिंग तो एनसीईआरटी से ही करूंगा, कि नहीं करूंगा तो एक टेक्स्ट बुक ही उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा, पहले बुक सर हमेशा से नहीं उठाता हूं मैं टेक्स्ट बुक पहले, यस सर, टेक्स्ट बुक सबसे पहले कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी कहो ना कहो क्वेश्चन कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन 50% तक तो टेक्स्ट बुक से ही आता है। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में हमें करना है इसको। ठीक है, इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट वाला देखो जरा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पे बार है, कैसे करेंगे सॉल्व इसको बताइए भाई, कौन कौन बताएगा आपने से, नैना बोलेगी, अच्छा ओके नैना बोलिए बेटा, सर a मतलब a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो भैया आपने क्या किया होगा, आपने ऐसा किया होगा कि भाई एक काम करो सर, हाँ सर कंपेयरिंग कर लेंगे इसे, बिल्कुल सही है, कंपेयर करेंगे सर, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप सर, ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जो ऊपर लिखा है तुम्हारे सामने ये क्या है सर, इसका ही कंपेरिजन करेंगे। ये जर्नल है, जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन आपकी होना ही चाहिए। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? यस सर, सर आ रही है। मैं अगर इधर लिखा हुआ था तो मैंने इसको यहाँ फेंक दिया, क्यों? क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में बनानी है। अब मैं इसको जब कंपेयर कराऊंगा बेटा इससे ax plus by plus c is equal to zero से, इस इक्वेशन को कंपेयर कराऊंगा इस इक्वेशन, तो मेरे पास ये क्या आएगा, टू टू, बी क्या आएगा थ्री थ्री, और सी क्या आएगा माइनस का 9.35 माइनस का आएगा। क्यों? जनरल फॉर्म बोलती है कि प्लस में होना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पर माइनस में, तो माइनस हम सी की वैल्यू लिख देंगे। अगले दो करके दिखाइए अपने आप। सर पूरे ही कर दे रहे, तो पूरे कितने आएंगे? पूरे सर ये एट है, एट एट क्वेश्चन है, एट पूरे करके दिखाइए अपनी कॉपी में, जल्दी जल्दी करिए और लाइन से लगाइए। यस बेटा समझ में आया बात मैंने क्या बोला है? यस यस सर आ गया सर। वेरी गुड सर। हाँ सर ये वाला क्वेश्चन सर मैं देख नहीं पाया था सर, बुक लेने चले गया। मयंक, अच्छा मयंक देखो बेटा मैं फिर से बता देता हूँ, और जो कोई को समझ में नहीं आया जिस किसी को भी प्लीज वो देख सकता है। ओके बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो बेटा फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखना यार ध्यान से देखना, ज्यादा थ्योरी पे मत जाना ठीक है, टेंशन फ्री होके जरा देखो। जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ax square होती क्या होती? ax plus by plus c is equal to zero, ये तो हो गई आपकी जनरल फॉर्म। क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कह रहा है जरा, क्वेश्चन फर्स्ट वाला है, फर्स्ट का फर्स्ट वाला क्या है कि हमसे ये कह रहा है कि 2x plus 3y is equal to 9.35 bar। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x plus 3y minus का 9.35 bar is equal to 0। देखो मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया, इसको लिख दिया कि लिख दिया? Yes, लिख दिया। अब जरा इसको कंपेयर करना, जरा मयंक जरा देखना, कंपेयर करते हैं अपन, देखो क्या आएगा। मयंक मयंक जरा ध्यान से देखना, मयंक देखो कंपेयर करा मैंने किससे, ax plus by plus c is equal to 0 से कंपेयर कर, देखना मयंक a is equal to 2 आया, b is equal to 3 आया और c is equal to minus का 9.35 bar। ये आएगा यस सर। अगले वाले लगाओ आगे के, पूरे लगाओ आगे के, आराम से लग जाएंगे। ओके सर। सर हाँ बेटा हो गए सब, हो गए यस सर सब हो गए यस सर। अरे तुम तो इतने होशियार बच्चे हो, फिर पापा क्यों कह रहे थे कल जी बताओ? अच्छा पापा ये बोल रहे थे कि तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो तुम हैं, नहीं पढ़ते? साइंस का पेपर ध्यान से नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था? रिवाइज नहीं किया सर साइंस का पेपर, सर रिवाइज नहीं कर रहा था मैंने उसमें, साइंस का पेपर रिवाइज नहीं किया था तो मैथ से क्या मतलब बेटा उसका? नहीं पापा को लगा, पापा कहने लगे कि मैथ का भी रिवाइज नहीं किया हो। नहीं, रिवीजन बहुत जरूरी है,
चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, रिवीजन बहुत जरूरी है भैया मेरे सब्जेक्ट पे। अच्छी वाले तुम लोग सब बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हो, और जो नालायक बच्चे हैं तो वो तो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। ये आप तो लोग सर, सब... पापा ने पहले ही पढ़ा दिया था क्या पूरा चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स? नो सर, ये लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। पापा क्या टीचर है क्या? यस सर। गवर्नमेंट टीचर है? नो सर प्राइवेट। मम्मी गवर्नमेंट टीचर है। मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, पापा प्राइवेट टीचर है। चलो बढ़िया है, हो गए सबके? मैसेज ऐसे आते हैं, हाँ सर डन हो गया, ठीक है। किस किसका हो गया है? देखो दो बच्चों का हुआ, देवांग का हुआ और नैना का हुआ, और किस किसका हुआ भैया? यश बेटा नहीं आ रहा समझ में? यश बेटा यश यस सर नहीं आ रहा सर, होने ही वाला है आखिरी वाला। बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। मयंक आ रहा है ना? ओमकार और रौनक क्या बात है बेटा, आंसर नहीं आए? हो गया, हो गया, बहुत अच्छे। राशि, राशि यादव बेटा क्या प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है क्या? सर हो गए, हो गए तो मेरे को लिख के तो भेजो सर, डन डन कुछ तो भेजो, लिखोगे नहीं मेरे को क्या पता चल रहा क्या हो गया नहीं हो गया। मैसेज तो भेज दो, कम से मैसेज तो कर दो चैट पे, आंसर मेरे को आंसर ना भेजो, कम से कम इतना तो भेजो सर डन। उसके बाद तुमने डन किया नहीं किया तुम लोगों ने, तो मैं कॉपी बना के चेक तो कर ही दूंगा, है ना। कॉपी तुम लोग भैया सबके सब सेंटर पे कॉपी छोड़ देना, मैं दिन बता दूंगा तो मेरे, मैं कॉपी उठा के इकट्ठी ले आऊंगा तो घर पे लगा लूंगा, सबको चेक कर लूंगा। मैं कुछ क्या है, मेरे को क्वेश्चन आते नहीं है तो मेरे को देखना पड़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज कॉपी छोड़ देना तो मैं लगा लूंगा क्वेश्चन, मेरा होमवर्क रह गया करना है, ठीक है, ध्यान से। आंसर जो भी किए वो बताना है? नहीं आंसर बताना नहीं है, जरा पीछे से चेक कर लो। अब मैं क्या आंसर, तुम लोग मेरे को ही बताते रहोगे पूरे आंसर? सबने कर लिया सीरियसली? यस सर। अच्छा नो सर। 5 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, इसका क्या आया होगा आंसर? इसका आंसर क्या आया होगा? कौन बता रहा? बता बेटा। नैना आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मेरे कान में नहीं आ रही, मेरे को पता ही चला आपके आंसर बोल रहे हैं। अब आ रही सर? अब आ रही। a = -2, a = -2, b = 0, b = 0, c = 5, c = 5, ठीक है, वेरी गुड। नो सर नो सर नो सर, सही है। नो सर नो सर नो सर, सही तो है, उल्टा बता दिया उसने, सही बताया। a = -2, b = 0, c = 5, सही तो बताया उसने, क्या उल्टा बता दो बताओ सर? c = 0 आएगा, b = 5 आएगा। अरे हाँ आ गया, गद्दार पकड़ में आ गया, आ गया भैया। और अच्छा आंसर सेट कर दो, कह रहा था मैं। नहीं आंसर सेट करो जल्दी जल्दी, अपने अपने आंसर सेट करो जल्दी जल्दी, आ गया सर। अभी याली कर रहा, अभी याली बिल्कुल, सब सब जन करेंगे अपने आंसर बिल्कुल सेट। मैंने सोचा तुम लोग अच्छे ईमानदारी से काम कर रहे होगे। सर हर एक क्वेश्चन की करना है? हाँ पूरे जितने 8 क्वेश्चन तक है, पूरे आंसर सेंड करो मेरे को। ओके सर। जरा मैं देखूं तो किसको समझ में नहीं आया। उसने बोला कि सर c = 0, c = 0 कैसे हो जाएगा भैया, c तो कांस्टेंट 5 है। कह रहा मैंने पूरा पढ़ लिया। देवांग तुम मेरे से लिख के ले लो, तो ओवर ओवर तुम काम करते हो, पढ़ते भी अच्छा हो बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में तेरा पत्ता कट जाएगा ऐसे, ठीक है? सर भेज दिया। हाँ हाँ आगे आगे, गद्दार पकड़ में आगे 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 आगे। देवांग ने क्या किया, देवांग क्या दिख रहा है तुम्हें इस क्वेश्चन में? सर कंपेयरिंग करें तो, कंपेयर करो ना, ax + by + c = 0 कंपेयर करो, क्या आ रहा है? क्या तुम्हें ये अकेले भाई साहब और ये अकेले भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे थे तुम्हें?
ये बहन जी बैठी हुई है और ये बहन जी बैठी हुई है, ये आपस में कम करनी होगा। अब ये भाई साहब अकेले रह गए, ठीक है? यस सर। जो अकेला रह गया है तो अब उसको अकेला रहने दो ना, फालतू में उसको उसको क्या है उसको साथ दे रहा है उसका, तो समझ में आ रही? ये कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल और कोफिशियंट। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि b का कुछ y का कोफिशियंट कोई दिख रहा तुमको, y का कोफिशियंट दिख रहा कोई नहीं दिख रहा? अरे ना, हाँ तो बोलो भाई साहब। नो सर। सो गया, सो गया देवांग, सो गया, उसको नहीं आ रहा समझ में, देवांग नहीं आ रहा समझ में। चलो नो सर, ये वाला नहीं आया। नहीं आया, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, नहीं आया, रो नहीं ना सर, सर अपने मन में सोच रहा था। कोई आवाज ऐसी आ रही है तो रो रहे हो ऐसे। देखो जरा यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 2x, ठीक है, और 5 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, माइनस का 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2x प्लस का क्या 0 बाई प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कंपेयर करो, a इज इक्वल टू माइनस टू, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5, बताओ अब क्या दिक्कत है? अब नहीं आया समझ में, अब भी नहीं आया क्यों भाई साहब? ओ भाई साहब देवांग सर आ गया, आ गया, आ गया आंसर, आया सबके बराबर सर। हाँ तो तभी तो देवांग का पहले हो गया था। वो कह रहा मैंने पूरी एक्सरसाइज लगा के बैठा हूँ, गलत सलत लगा के बैठ गया और क्वेश्चन को। बेटा मैं पानी पी लूं दो मिनट के लिए, हाँ उधर से गला सूख गया मेरा। Thank you.
आंसर आ गया सबके? एट वाले का है a इज इक्वल टू माइनस टू। बेटा इक्वल टू का साइन लगाएगा, ये माइनस का साइन मत लगाएगा राशि बेटा। हाँ माइनस का साइन समझ में नहीं आ रहा सर, वो इक्वल टू का आ नहीं रहा था मेरे में। उम्र हो गई सर की तरह दिखता नहीं है बराबर, वो इक्वल टू का माइनस दिख जाएगा हमें, फिर हम काट देंगे आंसर। इसमें लगा लीजिए सर, मैंने ब्रैकेट तो लगा दिया ना जो माइनस है। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। a is equal to minus 2, b is equal to 0 और c is equal to 5, ठीक है। रौनक ने भेजा है सर h वाले का। अरे h वाले का कौन सा भैया, h है क्या इसमें कोई? नहीं सर, उसके abc ले लिखना होगा ना। अच्छा abc, यार तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे भैया, मैं अब गिनती करता फिर h कितने नंबर पे आता। सर 8h, 8h, 8h पे आ जाता है, अब मैं गिनती करता फिर। नहीं सर हम लोग तो बता देंगे सर, ऐसे सर बहुत टाइम लगेगा सर, टाइप करके भेजेंगे। अच्छा अच्छा, a is equal to minus 2, b is equal to 0। अरे लो रौनक ने भी गलत कर दिया। रौनक क्या हो गया बेटा? यस सर। क्या कर दिया जी, देखो जरा, a is equal to minus 2, b is equal to 5, c is equal to 0, किस बात, क्या सोच बैठे तुम ऐसा, इसकी टेंशन कर गए इतनी ज्यादा हैं? ये बी की जगह फाइव कैसे आएगा और सी की जगह जीरो कैसे सर भी? अभी मैंने तुम्हारे सामने देवांग को समझाया था, तुम जब लगता था नहीं कहाँ देख रहे थे। एट वाले का ही बोल रहे हो ना मेरे से आंसर बेटा? एट वाले का ही बोल रहे हो ना मेरे से आंसर? यस सर। तो बेटा देखो तो जरा, तो ध्यान तो दो, देखो जरा, देखो मैंने क्या किया, ऊपर से देखते आओ जरा, देखो जरा कुछ समझ में ना आया, देखो आंसर गलत है आपका, पता है ये नंबर कट जाएंगे आपके, इसलिए मैंने आप लोग से करवाया कि आप लोगों को कितना समझ में आया, इसलिए मैं आप लोग से करवाता हूँ, ये है मेरा तरीका पढ़ाने का। ये अभी यश का तो आंसर ही नहीं आया, यश का नहीं आया, वो बहुत बच्चों का नहीं आया, ओमकार का भी आंसर नहीं आया। तो नहीं नहीं भेजना नहीं है, आप अपने पास रखिए, बस मेरे को आंसर भेज दीजिए। बेटा रौनक जरा ध्यान से देखो जरा, ऊपर से मैंने नीचे तक क्या किया। तुम लोग को एक चीज बताओ, b इज इक्वल टू जीरो समझ में आ गया? आ गया हाँ। और कौन कौन है भैया जल्दी बताओ, तुम में से और कौन कौन है जो ये गलतियां कर रहा है, ये गलतियां करने की इच्छुक है? कौन कौन है भैया रौनक और दिवांग के साथ, कौन कौन है इनकी टीम में, जल्दी बता दो। आंसर भेजना जरा सबके सब जरा मेरे को, मैं जरा चेक कर लूं तसल्ली से। अब दिवांग ने भेजा है कि सर a इज इक्वल टू माइनस टू, b इज इक्वल टू जीरो और c इज इक्वल टू फाइव। हाँ बेटा समझ में आ गया दिवांग क्यों आया ऐसा? दिवांग आप समझ में आया? सर आ गया। आप समझ में आया क्यों हुआ? आ गया आ गया। यस सर। ओमकार ने भेजा है इज इक्वल टू माइनस टू, बी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू फाइव, बिल्कुल सही है ओमकार। यश का नहीं आया, यश बेटा देखो अभी देखो मैंने आंसर पूछने ही बोला तो एक बच्चा गायब हुआ है कोई इसमें से, कौन हुआ है? चार पांच छह सात, यश सर एक्सरसाइज 4.6 करवा दिए। अब इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगी, कराएंगे अब, अभी फिलहाल स्टार्ट कराइए, अभी यही तो तुम लोग अटक गए हो। यश बेटा यश, मेरा आवाज सुन पा रहे हो? चला गया यश, चला गया। मेरे से पढ़ना इतना आसान नहीं है बेटा, इतना ध्यान रखना, बहुत खतरनाक टीचर है ये, तुम जब तक तुम्हारा मुंह से आवाज सुन नहीं लेगा तब तक तुम्हें दिक्कत देता रहेगा ये। रौनक का आंसर तो आ गया है, देवान का आ गया, नैना का आ गया, मयंक का आंसर नहीं आया, मयंक का अब आया। सर बस एक ही का भेजना था, फिफ्थ वाले का। अरे रुक तो जाओ, अभी अभी स्टार्ट तो किया है, अभी मैंने मंगवाना तुम लोग से a इक्वल टू माइनस टू, b इक्वल टू, c इक्वल टू फाइव, मुझे पता है तुम लोग कहाँ गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने मंगवाया इसका। अभी देखो मैं मंगवा रहा हूँ। अच्छा बेटा इसका बताओ मेरे को,
y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसका आंसर भेजना जरा मेरे को तुम लोग, इसका आंसर भेजो जरा सबके साथ। yes, तुम में से गद्दार कौन है पता चल जाएगा मेरे को। अब ये पता चल जाएगा। सर मैंने आपको सारे भेज दिए। मेरे को सारे मिले नहीं है, किसके पास भेज दिए? सर आपके पास भेजे। बेटा नहीं आए मेरे पास सारे, इकट्ठे भेज दो, इकट्ठे एक एक उसमें रख के भेज दो सब। मयंक ने भेजा है इज इक्वल टू, हाँ 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 बिल्कुल बेटा आंसर भेजो, कहाँ है? क्या तुम लोग क्या एट द्वारा लगा के बैठे थे सिर्फ? क्या वाकई में यार तुम लोग भेजे, सामने में कॉपी नहीं देख पा रहा ना, ऑफलाइन क्लासेस नहीं है ऑनलाइन है, तो मैं कॉपी नहीं देख पा रहा तुम लोग की, इसलिए दिक्कत ज्यादा हो रही मेरे को। ओमकार ने भेजा है सर सेवेंथ वाले का ए इज इक्वल टू जीरो है, हाँ मर गया सेवेंथ वाला, मैंने कहा फेंक दिया। अच्छा ए इज इक्वल टू जीरो है, बी इज इक्वल टू वन है और सी इज इक्वल टू माइनस टू है। नैना ने अभी तक बताया कि सर a इक्वल टू जीरो है, b इक्वल टू वन है, लेकिन c इक्वल टू नहीं पता उसको। अच्छा बताया मैंने। अच्छा बताया, दूसरी बार में बताया बेटा, एक बार में भेज दिया, और मेरे को दिक्कत होती है ऊपर नीचे देखने में। a इक्वल टू माइनस टू है, ओफो कौन है भाई साहब जी? मयंक आ गया पकड़ में एक बच्चा। मयंक सर क्या कर दिया जी? A is equal to minus two होगा, ढंग से देखो जरा। No sir, no sir, अरे सर गलती हो गई। सर इसके साथ सर वेरिएबल ही नहीं है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आप भेजो आंसर जरा तरीके से देख के। एक सेकंड। ओमकार का आ गया, नैना का आ गया, ना राशि का आया, ना रौनक का आया, ना ही देवांग का आया। देवांग आंसर अभी नहीं भेजेगा, अब वो थोड़ा रुक के भेजेगा। वो आखिर में देगा, अभी पहले दे दिया, अभी वो आंसर नहीं देगा, अभी आंसर नहीं देगा, वो डर गया। वो आ गया आंसर, देवांग का आंसर। देवांग मैंने दूसरे वाले का नहीं मंगवाया बेटा, मैंने जिवाला बोला इसका भेजो जरा सेवंथ वाले का। अब आंसर नहीं भेजेगा वो, सोच समझ के भेजेगा, उसको पता है सर ने पकड़ लिया। भयंक आंसर भेजिए, नो सर करके क्या आएगा? यस सर क्या होना चाहिए फिर बताओ जल्दी से। अब देवांग का आंसर नहीं आया, देवांग आंसर कहाँ है सेवंथ वाले का? मयंक का आया, मयंक ने बोला ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू वन और सी इज इक्वल टू माइनस टू। सही है मयंक, सही आया इसका, मयंक सही आया है। रौनक का भी आ गया, रौनक का आया ए इज इक्वल टू जीरो, b is equal to 1 और c is equal to minus 2, सही है। देवांग का अब आया a is equal to 0, b is equal to 1, c is equal to minus 2, राशि का भी आ गया। चलिए ठीक है सब। सर लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा लिखने में प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा जवाला करके दिखा रहा हूँ मैं, धीमे लिख रहा हूँ। अच्छा नहीं वो सही है, धीमे धीमे लिखना, जल्दी जल्दी लिख दोगे ना तो गलत आएगा आंसर मेरे पास, ठीक है तो धीमे धीमे लिखना। देखो देवांग जो वाला करके दिखाओ, इसका क्या आंसर आएगा? सर कौन सा करना? सामने दिख रहा है जो रेड रेड से, सर वो जो रेड रेड दिख रहा है, रेड रेड उसको करना है। यश बेटा कहाँ चले गए थे? यश यश सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा बेटा, एक भी आंसर नहीं आया बेटा आपका, तो पता है मैं मेरा क्या है पढ़ाने का तरीका, ये है कि क्या है ऑफलाइन क्लासेस है, मैं आपकी ना लिप्स रीडिंग देख पा रहा हूँ ना मैं आपके फेस देख पा रहा हूँ, तो मैं आंसर मेरे तक नहीं आते हैं, तो एक एक बच्चे की मेरे अंदर काउंटिंग रहती है,
और आपके अगर आंसर नहीं आएंगे तो मेरे को ये समझ में आया कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। और जहां समझ में नहीं आता है तो उसके लिए मेरे को बैठाला गया है। तो आप प्लीज आंसर भेज दीजिए मेरे को, एट्थ वाले का और सेवन्थ वाले का प्लीज। यश ओके सर, भेज दिया। सिक्स्थ वाले का, सिक्स्थ वाले का भेज दिया सर, मैंने भी भेज दिया। एक मिनट अब मैं देख लेता हूं जरा, एक मिनट देख लेता हूं जरा। सिक्स्थ वाले का है ओमकार का है इज इक्वल टू थ्री, बी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू टू, ठीक है। थ्री जीरो टू थ्री, लो देवांग, देवांग यस सर, क्या है ये क्या तुमने लिखना, तुमने धीरे धीरे ही लिखा इस बार, धीरे धीरे लिखो बेटा फिर से। रौनक का इज 302 और 302 सही है, मयंक का भी सही आया। अभी यश का रह गया और देवांग का रह गया। यश और देवांग आंसर भेजो मेरे को। एक दो क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में तुमने दिमाग लगा लिया, स्टार्टिंग में आपने मेहनत कर ली तो पूरी क्लास आप अच्छी तरह से खींच ले जाओगे, मेरा तरीका ये रहता है, ठीक है। मैथ्स में कुछ दिक्कत नहीं है, तो स्टार्ट अच्छा करो अपना। आंसर नहीं आया भी है और किसी का, सबका आ गया, देवांग का नहीं आया, मयंक का आ गया, नैना का आ गया, ओंकार का आ गया, राशि का आ गया, रौनक का आ गया। यश और देवांग आपके दोनों के आंसर नहीं आए मेरे पास, मेरे को सिक्स वाले का आंसर चाहिए है 302। हाँ आप सही आया, देखा जल्दी ले दिया, वही मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे लिखा करो, ठीक है। सब क्या आ गए, ठीक है। अब वो उसको तो राशि फिर आपने इंटरनेट इन्वर्टर पे करा लिया था बेटा कनेक्शन इंटरनेट का, सर हो जाएगा अभी बेटा करा लो। पता मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी क्लास में दो मिनट में भी आप गए तो आप बहुत कुछ लॉस कर दोगे। अब अगस्त से जो क्लासेस चालू होने वाली है, मैं बहुत फास्ट जाने वाला हूँ, तो आप लोग में से कोई भी अगर क्लासेस में से नहीं रहा तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप लोग की अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप अपना कनेक्शन का प्रॉब्लम सही सॉल्व करिए, ठीक है। बीच में से आप जैसे ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हो ना, मिस्टर इंडिया बन जाते हो, वो नहीं बनना, मेरे को बहुत दिक्कत होती है। आप पढ़ इतने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, दुख होता है बेटा, तो पढ़ने वाले बच्चा ऐसा होता है तो दुख हो जाता है, ठीक है। हाँ ओके सर, सर पलक क्लास लेती है क्या? पलक के लिए बेटा मैंने बात करी थी सर से, सर ने बात करी थी मेरे से, अब पता नहीं वो क्यों नहीं आती क्लास में, मेरे को नहीं पता इसका। मुझे लगा कि उसने फैंस भी रखी है। हाँ हो सकता ऐसा हो, उसके ऊपर है, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, पढ़ना तो पढ़ी है ना। चलिए तो बेटा बाकी अपन पढ़ेंगे कल, और बाकी ये पूरे लगा के लेके आना एट तक, ठीक है। एट तक के पूरे आंसर्स मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे आप। ओके सर, इतनी जल्दी सर, 5 बजे सर पता ही नहीं चला। हाँ सर, मजा आ रहा था, मजा आएगा अभी, बहुत मजा आएगा क्योंकि पता कुछ जैसे लाइंस एंड एंगल्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री बोरियत लगती है, बाकी तो फिर बहुत अच्छी है क्लास, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके ठीक है बेटा, ठीक है सर, ओके बाय बाय बेटा।